So, dear children, once again, very good morning to all. Welcome you all in this class, rather. So, we were to have the derivative of some important basic parameters over here, bete. जिनमें सबसे पहले आपके पास है बेटा कुछ एग्जांपल्स ही कर रहे हैं. डेरिवेटिव ऑफ पाई स्क्वायर फाइंड आउट करिए. आपकी बुक में कॉमन सी एग्जांपल्स दी हुई हैं ये सारी ऑल. सेकेंडली, वी आर टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ ई स्क्वायर एक्सपोनेंशियल का स्क्वायर. तीसरी बात, वी आर टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ माइनस वन फोर. कोई नंबर है, प्योर नंबर आपको दिया गया है, इसका डेरिवेटिव हम फाइंड आउट करना चाहते हैं बेटा. सो आइए वन बाय वन बेटे, ये कुछ बहुत ही बेसिक से डेरिवेटिव्स हैं. तो वी विल से दैट लेट वाई इज इक्वल टू पाई स्क्वायर. अब जरा ध्यान से समझिएगा, सोचिएगा. पाई आपका बेटे कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव विल बी डायरेक्टली जीरो. सो वी विल से दैट बेटा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो. इसमें कोई भी ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं. अगर बात करें हमारे पास बेटे जो सेकेंड आपको दे रखा है, बी पार्ट दे रखा है, वी विल से दैट वाई इज इक्वल टू ई स्क्वायर एक्सपोनेंशियल. एक्सपोनेंशियल बेटे जो है ये भी स्टिल आपका कॉन्स्टेंट ही रहेगा. अकॉर्डिंगली आप इसको भी डेरिवेटिव करके फाइंड आउट कर सकती हो. और तीसरी बात, आपके पास y जो है, अब तो ये बिल्कुल ही आपको एक कांस्टेंट दे दिया, इट विल बी पोजेसिंग नो जीरो डेरिवेटिव बेटे एज सच बेटा. सो ये इस तरीके से कुछ बिल्कुल बेसिक कांस्टेंट पैरामीटर्स हैं जिनके हम डेरिवेटिव्स एज सच बेटे वर्कआउट कर सकते हैं. इसके बाद बेटे डियर चिल्ड्रन, हमारे पास कुछ और बेसिक, ये तो चलिए कॉन्स्टेंट्स थे, इनके बिना बेटा हमारे पास जो बिल्कुल बिगनिंग में एक्स की पावर्स की टर्म्स में एक्सप्रेशंस आ जाया करते हैं, उन एक्सप्रेशंस के बारे में बेटे बात करके देखेंगे. जैसे कि आपको फर्स्ट दिया गया है, लेट मी राइट द क्वेश्चंस बेटा. वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस फाइव. सेकेंड हमारे पास है y is equal to x raised to power minus 2. थर्ड बेटे हमारे पास है y is equal to x raised to power 3 by 2. फोर्थ है बेटा y is equal to root x minus 1 by root x. फिफ्थ बेटे मेरे पास है y is equal to 1 upon x plus 2. एंड सिक्स्थ बेटे मेरे पास है y is equal to बेटे साइन थ्री एक्स. तो आइए इनको बेटा वन बाय वन डिस्कस कर लें पहले, देन वी विल बी प्रोसीडिंग अहेड विद द न्यू डिस्कशंस विद इट. इन दिस केस हमारे पास सबसे पहले वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस फाइव. सिंपल आपने कल भी किया था इस तरीके का, दिस इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस फाइव. dy by dx you intend to calculate, बिल्कुल सही तरीके की बात करो अगर आप, तो आप y की ये वैल्यू यहां पुट कर दो. अब ये u plus v वाली टर्म बन गई बेटा, टाइप बन गई रादर. तो आप अब क्या करिए, इसमें से इन दोनों को bifurcate कर दीजिए. ddx of this 3x plus डी डी एक्स ऑफ दिस कॉन्स्टेंट फाइव. बेटा थ्री एक्स में थ्री आपका कॉन्स्टेंट है, इट कैन बी रिटन एज थ्री डी डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर वन. डी डी एक्स ऑफ फाइव विल बी इक्वल टू जीरो, इट विल बी थ्री एक्स रेज टू पावर वन माइनस वन. दिस इज इक्वल टू बेटे जीरो. और आप समथिंग पावर जीरो वन नहीं बोला करते हो, तो इट इसका जो डेरिवेटिव है इट विल बिकम बेटे थ्री. सो इन दिस मैनर बेटा हम फर्स्ट वाला जो हमारा डेरिवेटिव है इसको देख सकते हैं. कोई डाउट हो तो बेटे बताइएगा जरूर. चलें आगे. देन सेकंड मेरे पास बेटे है, इस केस में वाई इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर माइनस टू. आइए इसको भी जरा फोकस करके देखें. y
दिस इज एक्स रेस टू पावर माइनस टू बटे, आपने एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव किया था एक्स रेस टू पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन, सेम चीज यहां पे अप्लाई कर देंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू पावर एन माइनस वन, और इसको आप इसी के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे। लेट मी री राइट दिस बेटा, दिस इज माइनस टू, इसको आप ले आए उठाकर आगे, माइनस टू माइनस वन हो जाएगा बेटा, चेक कर लीजिएगा, एक्स रेस टू पावर एन का डेरिवेटिव आपने एन एक्स रेस टू पावर एन माइनस वन किया होगा, तो यू विल बी गेटिंग इट माइनस टू एक्स रेस टू पावर माइनस थ्री बेटा, इट विल बी माइनस टू अपॉन एक्स का क्यूब बेटे, आपको इस तरीके से डेरिवेटिव मिल जाएगा। जरा चेक करके देखिए बेटे, यू आर गेटिंग इट और नॉट बेटा। सो डियर चिल्ड्रन, आई कैन सी ऑलमोस्ट ऑल द स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास, किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो तो बेटे बताइएगा, मैं रिपीट कर दूंगा, राइट बेटे? देन ओके, नाइस बेटे, गुड। देन बेटे लेट मी बिगिन विद द थर्ड वन, थर्ड पॉइंट, थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, आइए जरा सोचें इसके बारे में बेटा, इसको डिटेल में डिस्कस करके देखें। थर्ड में हमारे पास बेटे y इज इक्वल टू एक्स रेस टू पावर थ्री बाई टू बेटा, एंड व्हेन वी इंटेंड टू कैलकुलेट डी वाई बाई डी एक्स, ये बेटे एक्स रेस टू पावर एन वाला फॉर्मूला लगेगा इस पे, अगेन एन आपका यहाँ पे फ्रैक्शंस में है, सो इट विल बी थ्री बाई टू एक्स रेस टू पावर थ्री बाई टू माइनस वन, थ्री बाई टू एक्स रेस टू पावर वन बाई टू, इट विल बी थ्री बाई टू और एक्स रेस टू पावर वन बाई टू को बेटे आप रूट एक्स भी लिख सकते हो। बेटे रोल नंबर नाइन अगर आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो एक बार लीव करके फिर से ज्वाइन कर लीजिए, हरमन रोल नंबर 9 11th P क्लास, जरा बेटी उसको गाइड कर दो, बाकी स्टूडेंट्स आई थिंक शी इज और ही इज अनएबल टू ज्वाइन, उसको बोल दो एक बार लीव करके दोबारा ज्वाइन कर जाए बेटे, कई बार कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है। हरमन रोल नंबर 9 11th B क्लास, गुरसिमरन बेटे उसको एक बार बोल दीजिए, आप बोल दीजिए। फोर्थ है y इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस वन अपॉन रूट एक्स बेटे, आप लगाओगे एक मिनट बेटे इस पे, करोगे सॉल्व इसको? हाँ जी हाँ जी, खुद ही, बाकी स्टूडेंट्स भी बेटा ऑनलाइन जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं एक बार इसको बेटे सॉल्व करके देखिए, देन एंड ओनली देन वी विल बी कॉन्फिडेंट कि हम कर लेते हैं कि नहीं कर लेते। ऑल ऑफ यू बेटा, छोटा सा प्रॉब्लम है, कोई ज्यादा लेंथी नहीं है, कंसंट्रेट अपॉन दिस बेटे, इसको जरा सॉल्व करके देखिए, इसको पावर को फ्रैक्शंस भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको एक्स रेस टू पावर वन बाई टू माइनस एक्स रेस टू पावर वन बाई टू इन द डिनोमिनेटर करके लिख सकते हैं, इट कैन बी फर्दर रिटन एज वाई इज इक्वल टू एक्स रेस टू पावर वन बाई टू माइनस एक्स रेस टू पावर माइनस वन बाई टू, अब आप करके देख सकते हो। हाँ जी भेज दीजिए मैम, नो प्रॉब्लम। तो ये इस तरीके से हम बेटा सोच सकते हैं, एक्स रेस टू पावर एन का सिंपल फॉर्मूला लगा लोगे आप, डी वाई बाई डी एक्स वन बाई टू एक्स रेस टू पावर वन बाई टू माइनस वन हो गया बेटा, ये माइनस साइन एज इट इज माइनस वन बाई टू एक्स रेस टू पावर माइनस वन बाई टू माइनस वन, तो जब आप इसको बेटा सॉल्व करने की कोशिश करोगे आपको पावर्स को एडजस्ट करने के बाद, लेट अस सी व्हाट वी आर गेटिंग, डी वाई बाई डी एक्स
दिस इज बेटे 1/2, इस साइड पे आ जाइए बेटे, आपको क्लियरली दिखेगा। दिस इज बेटे 1/2 एक्स रेस टू पावर माइनस 1/2 बेटा, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इट इज 1/2 एक्स रेस टू पावर माइनस 3/2। अब आप पावर्स का एडजस्टमेंट कर लीजिए इन द डिनोमिनेटर, यू विल हैव dy by dx is equal to beta 1/2 x raised to power 1/2, denominator में जाके positive हो जाएगा power, and it is 1/2 x raised to power 3/2, and dy by dx this is 1/2 root x, जरा check करिएगा साथ साथ, plus 1/2 root x का cube कर दिया हमने। बेटे जरा सारे स्टूडेंट चेक करिए, आर वी एबल टू कंप्लीट द डेरिवेटिव ऑफ दिस फोर्थ पार्ट इन दिस वे और नॉट, कोई डाउट किसी को हो तो जरूर बताइएगा। दिस इज फोर्थ पार्ट बिगनिंग फ्रॉम हियर एंड कैलकुलेटिंग द डेरिवेटिव, क्रॉस चेक कर लीजिए एक बार, कोई आपको पॉइंट लग रहा है तो जरूर बताइए, आई कैन रिपीट दैट accordingly we will be working as such, right? 11th B class, sare students karke dekho, Gursimran, roll number 10, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 4, 5, roll number 4, 5, 9, Anjali, Ishnur, sare bachche almost baithe hain, okay bete, nice, completed? प्रॉब्लम नंबर 5 करें स्टार्ट, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, प्रॉब्लम नंबर 5, हम बेटे डेरिवेटिव की कुछ एप्लीकेशंस कर रहे हैं ताकि एक बार कंसेप्ट जो है अच्छे से रिटेन हो जाए, देन वी विल बी स्विचिंग ओवर टू द न्यू आइडिया आफ्टर कंप्लीटिंग दीज ऑल। हमारे पास बेटे आफ्टर प्रॉब्लम नंबर 5, ये आप जरा 5 को देखिए पहले, 5 हमारा पड़ा है, y इज इक्वल टू 1/(x+2) बेटे, ये बेटे आप इसको u/v वाली फॉर्म लेकर कर सकते हो, और लेट अस बेटे इसको जरा देखें करके कैसे कर सकते हैं हम, डीवाई बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू, जरा ध्यान दीजिएगा नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, राइट, नीचे वाली टर्म एस एच, डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला टर्म कितना हो गया 0, माइनस ऊपर वाला टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला टर्म कितना हो गया जी x+2 का डेरिवेटिव 1, वेरी नाइस। सो ये डीवाई बाई डी एक्स आपके पास बन गया -1/(x+2) का स्क्वायर, तो आप इस तरीके से u/v वाला फॉर्मूला लगाकर इसको आसानी से कर सकते हो इसको, नो नीड बेटे, अगर वो कहेंगे तो जरूर इसको करिए सॉल्व, हम तो सिर्फ ये अप्लाई करके देख रहे हैं कि हमें डेरिवेटिव आ गया है कि नहीं आ गया, हमको ये मैथमेटिक्स का पीरियड नहीं लगा रहे हैं, हमारा पर्पस सिर्फ ये है कि एक बार चेक कर लें कि वेदर वी आर कंफर्टेबल व्हाइल अप्लाइंग दीज ऑल फॉर्मूलाज और नॉट, राइट। फिर सिक्स्थ वाला भी देखिए, साथ ही साथ इसको भी फिनिश करें। ये दिव्या 2 कैसे आ रहे हैं बच्चे, रोल नंबर 6, दिव्या +1 B में 2 बच्चे इकट्ठे एक ही नाम से एक ही आईडी से एंट्री कर रहे हैं, तो दिस लुक्स स्ट्रेंज, चलिए फिर भी जो आए हम उसको मना नहीं करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6, y इज इक्वल टू sin 3x, sin nx वाला बेटे ये फॉर्मूला हमारा बन गया, सो dy बाई dx दिस इज इक्वल टू ddx ऑफ sin 3x कर लेंगे, राइट, और इट विल बी देन sin का डेरिवेटिव बेटा
कॉस बिल्कुल ठीक, कॉस 3x इनटू डेरिवेटिव ऑफ 3x, वेरी नाइस वेरी नाइस बेटा। सो इट विल बी 3x का डेरिवेटिव कितना होगा जी 3, इट विल बी 3 cos 3x। सो इस तरीके से आप बेटा इसका डेरिवेटिव वर्कआउट कर सकते हैं, कोई ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं, सीधी सीधी बातें हैं। सो अकॉर्डिंगली हम इनको फिनिश करेंगे। इसके बाद बेटे एक दो मैं पॉइंट्स और शेयर करना चाहता था आपसे, आइए उनको भी मैं जरा वन बाय वन बेटे शुड आई रैबिट 11th बी क्लास अगर हो। ओके 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 ठीक है जी ठीक है। देन एक दो बेटे छोटी छोटी और प्रॉब्लम्स हैं वो मैं जरूर डिस्कस करनी चाहता हूँ, आइए उनको भी पहले फिनिश करें फिर हम आगे चलेंगे। बेटा आपके लिए लिख के लाया था मैं, इसमें था आप स्टेटमेंट पार्ट बेटे नोट कर लीजिए, आप भी नोट कर लीजिए सारे स्टूडेंट्स बेटा। इफ द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ ए पार्टिकल, इफ द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ ए पार्टिकल इज रिलेटेड विद द टाइम, इफ द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ ए पार्टिकल इज रिलेटेड विद द टाइम, रिलेशन आपको दिया गया है दिस इज 2t³ माइनस 3t² प्लस 2t एंड प्लस 2 बेटा। रिपीट करूंगा क्वेश्चन, इफ द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ ए पार्टिकल इज रिलेटेड विद द टाइम बाई दिस रिलेशनशिप, हमें करना क्या है बेटा फाइंड द पोजिशन देन बेटे वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। पोजिशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कब एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स आपको निकालना है। तो आइए वन बाई वन ये सारा बेटे करके देखें, अगर आप इसमें फोकस करोगे तो ये तो आपको पोजिशन ही दिया हुआ है, आप इसकी t इज इक्वल टू 2 टाइम पे पोजीशन निकाल लीजिए सिंपल बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ t। आप कहोगे x एट t इज इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा 10 आ रहा है, वेरी नाइस, 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का बेटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 अगेन, तो ये बन गया 8 2s are 16 माइनस 12 प्लस 4 प्लस 2 10 बन गया जी, 10 मीटर्स आई थिंक बन जाएगा, चेक कर लीजिए सारे स्टूडेंट्स बेटा। सेकंड आपको वेलोसिटी बताना है, थर्ड आपको एक्सेलरेशन बताना है। आप अच्छे से जानते हैं वेलोसिटी जो है v, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बेटा, आप इसको dx/dt कर सकते हो ना बेटा, तो इसको विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, वी विल से दैट वी इज इक्वल टू dt ऑफ 2t का क्यूब माइनस 3t का स्क्वायर प्लस 2t प्लस अगेन 2, ये u प्लस v वाली फॉर्म बन गई। पहली टर्म का डेरिवेटिव अलग से कर लीजिए ddt ऑफ 2t क्यूब माइनस ddt ऑफ 3t स्क्वायर राइट, देन प्लस ddt ऑफ 2t प्लस ddt ऑफ 2 बेटा, ठीक है जी, राइट राइट राइट। इसका डेरिवेटिव जब आप पहले का फाइंड आउट करोगे इट इज 6t का स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव माइनस 60 बिल्कुल ठीक, इसका प्लस 2, इसका 0, लेकिन आपको वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 फाइंड आउट करना है ना बेटा, सो वी कैन से दैट लेट मी मेक स्पेस फॉर दिस बेटा, we will be having that velocity at t is equal to 2 put kar dijiye, it is 6 and 2 ka square minus 6 into 2
प्लस टू बेटा जरा चेक कीजिए कितना बना था बेटा। यस दिस इज 14 यूनिट्स। क्या लिखूं मैं? मीटर पर सेकंड। वेरी राइट वेरी राइट। सो डियर चिल्ड्रन 11B क्लास गुरसिमरन ख्याति देन मनजोत निधि राघव रमन सहज वैभव वंश दिलजीत दिवनूर दिया हरमन एंड अंजलि हरनूर मिताली एंड प्रभदीप। किसी भी स्टूडेंट को कोई पूछनी है बात तो बताइए। क्लियर? देन इसी का ओके बेटे ओके ओके ओके। इसी का एक पार्ट हमारे पास और है, तीसरा पार्ट हमारे पास पड़ा है अभी भी पेंडिंग। एक्सेलरेशन हम निकालना चाहते हैं टी इज इक्वल टू टू। तो ये देखो आपके पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी का एक बार फिर से अगर हम निकाल लें रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। आइए देखें कैलकुलेट करके। आई होप कि आप लोगों ने कर भी लिया होगा, है ना बेटा? वेरी नाइस। एक्सेलरेशन आपका जो है दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इट इज डी डी टी ऑफ वेलोसिटी। आपने ऑलरेडी निकाल रखा है ये, दिस इज 6t स्क्वायर माइनस 6t प्लस टू, ये आ जाएगा डी डी टी ऑफ 6t स्क्वायर माइनस डी डी टी ऑफ 6t प्लस डी डी टी ऑफ टू बेटे। तो अब सिंपल डेरिवेटिव ही हमारा परफॉर्म करने वाला पड़ा है। आइए देखें करके इसको भी। सिक्स इट इज 2t बिल्कुल ठीक माइनस 6 इसका तो जीरो ही आ जाएगा, है ना? तो एक्सेलरेशन एट टी इज इक्वल टू टू 6 × 2 12 12 × 2 माइनस 6 कितना बना जी? वेरी गुड बेटा बहुत अच्छे सबका हो गया जी। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए, अब आई विल नॉट बी सॉल्विंग दिस बेटा, लिखवा देता हूं मैं आपको। एंड अनलकीली मैंने लिखा ही नहीं है। चलिए एक और छोटा सा है वो मैं करवा देता हूँ। आई वाज वंडरिंग कि इस टाइप का मैंने एक और लिखा था बच्चों के लिए तो यहाँ पे है नहीं, अब पता नहीं यार मेरे माइंड से निकल गया लिखते टाइम, मे बी समथिंग लाइक दैट। तो एक छोटा सा क्वेश्चन यू इनटू वी फॉर्म का, दैट इज एब्सोल्युटली फॉर यू। आई विल बी राइटिंग द क्वेश्चन, आप ट्राई करिए जरा सारे स्टूडेंट्स बेटा। वाई इज इक्वल टू यूअर 5x का स्क्वेयर प्लस 6 × 2x का क्यूब प्लस 4। आप इसको यू इंटू वी वाला फॉर्मूला लगाकर जरा सॉल्व कर लीजिए और अपना आंसर बेटे बोल देना, फिर साथ ही साथ वेरीफाई हो जाएगा। यही हमारा डेरिवेटिव का कंसेप्ट था। इसके बाद फिर हम इंटीग्रेशन की तरफ स्विच ओवर कर जाएंगे। इसको 2 मिनट जरा करके देख लो बेटा सारे स्टूडेंट्स, व्हाट वी आर गेटिंग ओवर हियर। 1 मिनट 50x की पावर 4 36x का स्क्वायर प्लस 40x और आगे दैट्स ऑल। बेटा सारे स्टूडेंट चेक करिए, यू आर गेटिंग डी वाई बाई डी एक्स टू बी इक्वल टू दिस और नॉट? ऑल ऑफ यू बेटे देखिए, मैंने नहीं सॉल्व किया, आप लोग ही सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग ही क्रॉस चेक करिए इसको। राइट वेरी गुड। वी स्टिल हैव आई थिंक फ्यू मिनट्स विद अस, है ना? ओके कुछ इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन के रिलेशनशिप्स कंप्लीट कर लेते हैं, देन बेटा वी विल फिनिश विद दिस ऑल। इंटीग्रेशन बेटे चीज क्या है, कौन कौन से इसके इंपॉर्टेंट मेन फॉर्मूलाज हैं, कैसे हम बेटे इनको लेके चलेंगे, आइए ये सारी चीज की डिस्कशन करें। जो आपने डेरिवेटिव में किया इंटीग्रेशन बेटे इसका बिल्कुल इनवर्स प्रोसेस है। इंटीग्रेशन भी एक मैथमेटिकल ऑपरेशन ही है,
जैसे आप ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, मल्टीप्लाई करते हो या डिफरेंशिएट करते हो, बिल्कुल उसी पैटर्न पे आपका जो है इंटीग्रेशन, इट इज आल्सो ए मैथमेटिकल ऑपरेशन, इट इज ए मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड इट इज बेटे बिल्कुल इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव है, ये उल्टा है डेरिवेटिव का, इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव। कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक रिलेशनशिप्स हम बेटा इसमें जो फॉलो करेंगे, सबसे पहली बात है इंटीग्रल ऑफ एक्स रेस टू पर एन डी एक्स, एन शुड नॉट बी इक्वल टू -1। यहाँ पे ये जो इंटीग्रल है आपका, इट विल बी एक्स रेस टू पर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, प्रोवाइडेड एन शुड नॉट बी इक्वल टू -1। अगर -1 हो जाएगा तो फिर इसका बेटे लॉग एक्स के बराबर हुआ करता है, अदरवाइज आप इसको नहीं कर पाएंगे। हाँ जी बेटे, नहीं माइनस की पावर 1 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज कोई भी हो सकती है, पावर में -1 नहीं होना चाहिए। अगर -1 होगा तो उसका इंटीग्रल जब आप करोगे दैट विल बी लॉग ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी। हाँ, ड्यू टू दैट रीजन। सेकेंड हमारे पास है डियर चिल्ड्रन इंटीग्रल 1 dx, कॉन्स्टेंट है 1 नंबर। अच्छा बेटे एक चीज और जरा ध्यान से समझिएगा, 1 को उत्तर में ऐसे लिख सकता हूँ एक्स रेस टू पावर 0, लिख ही सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है बेटा। एक्स रेस टू पावर 0 इंटू डी एक्स कर लेंगे तो इसको देखो, यही चीज बन गई ना, -1 तो नहीं, तो अब आप इसको क्या करोगे, एक्स रेस टू पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1, दिस इज इक्वल टू एक्स, राइट। तीसरी बात हमारे पास है इंटीग्रल, अगर आप बेटे एक्स की पावर एन के साथ कोई कांस्टेंट ले लेते हो, साथ में मल्टीप्लाई कर देते हो, जैसे 5 × x^n हो गया, 10 × x^n हो गया, या सिंपली कह लीजिए c × x^n dx हो गया, तो कांस्टेंट है, इट कैन बी टेकन आउट ऑफ द इंटीग्रल, इट विल बी सी इंटीग्रल एक्स रेस टू पावर एन डी एक्स कर लेते हैं हम बेटा। यस, इट विल बी सी एक्स रेस टू पावर n+1 अपॉन n+1, ये रिलेशनशिप आपके पास बेटे एज सच आ जाएगा। देन बेटे आइए हम फोर्थ रिलेशनशिप हमारा क्या है, कैसे हम कर सकते हैं। हमने कहा था कि एक्स को हम -1 नहीं लेंगे इस केस में, अगर -1 हो ही जाए देन व्हाट वी आर टू डू, एक्स रेस टू पावर -1 dx का इंटीग्रल कैसे करेंगे। आप बच्चों इसको लॉग, इसको पहले ऐसे लिख लीजिए 1 / x dx करके, 1 / x का इंटीग्रल बेटे होता है लॉग एक्स, लॉग टू द बेस ई एक्स। यहां पे सबके साथ आप कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी जरूर मेंशन कर सकते हैं, तो वो हम साथ साथ कर लेंगे जब कंप्लीट करेंगे, फिनिश करेंगे, वी विल बी व्हेन बिगनिंग विद द प्रॉब्लम डिस्कशंस वी कैन एडजस्ट दैट। फिफ्थ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे पास है इंटीग्रल ऑफ द एक्सपोनेंशियल ई रेस टू पावर एक्स डी एक्स, इसका कोई बदलता ही नहीं है, इसका ई एक्स की पावर का एक्स का ई की पावर एक्स ही रह जाता है, सो इट विल बी ई रेस टू पावर एक्स एस सच। सो ये कुछ बेटे बेसिक आपके पास फॉर्मूलाज हैं, तो विद दिस ऑल हमारा टाइम भी फिनिश हो रहा है, चेक कर लीजिए बेटा 2 मिनट अभी है, तो फिर एक दो एग्जांपल्स हम कर लेते हैं इनके साथ रिलेटेड, देन वी विल लीव। आइए बेटे इंटीग्रल एक्स रेस टू पावर से एग्जाम्पल ले रहा हूं बेटा मैं, इंटीग्रल एक्स रेस टू पावर 5 dx, सिंपलेस्ट केस है ये, एक्स की पावर एन का बन गया ये बेटा, तो
it will be equal to x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन. इट विल बी वन अपॉन फाइव प्लस वन कितना होता है जी, तो यहां पे भी सिक्स आ गया. सो इंटीग्रल इसका बन गया ये. मैं यहां कह रहा था कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हुआ करता है, आप लिख सकते हैं, रादर लिख लेना चाहिए बेटा. ठीक हो गई बात बेटा? हाँ जी बेटे, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा डेफिनेटली, इसीलिए हमने सी डाल दिया ना यहाँ पे. अदरवाइज अगर हमें इसको कैलकुलेट करने की जरूरत पड़े तो वी कैन बी कैलकुलेटिंग इट विद द हेल्प ऑफ द कंडीशंस गिवन इन द क्वेश्चन एज सच. कुछ ना कुछ कंडीशन दे रखी होगी हमें. हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. सो फिर बाकी कल करते हैं बेटे. थैंक यू ऑल बेटा. ओके जी, थैंक यू जी.